हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्वी अफ्रीका में स्थित युगांडा देश के बारे में। युगांडा दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। केन्या के पास स्थित इस छोटे से देश को अफ्रीका का रतन भी कहा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस शानदार देश से जुड़ी कुछ रोचक और मज़ेदार बातें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। युगांडा में 30 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। इस देश की राजधानी शहर है कांपाला, जिसे पूर्वी अफ्रीका के सबसे अच्छे शहरों में माना जाता है। युगांडा गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। यहाँ पे आधे से भी ज्यादा लोग 80 रुपए से भी कम पैसे कमाते हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग हमेशा खुशी से जीते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला शहर दिन के समय एक व्यावसायिक क्षेत्र है, वहीं रात के समय यह शहर एक रेड लाइट एरिया जैसा बन जाता है, जहाँ के करीब हर कोने में वेश्याएं देखी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर वेश्यावृत्ति इलीगल है। यहाँ पर काफी संख्या में बार और क्लब्स हैं, जहाँ स्थानीय युवा और खासकर विदेशी लोग पार्टी करते दिखाई देते हैं। पर्यटकों के लिए युगांडा हमेशा एक काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। हर साल करीब 1 मिलियन पर्यटक यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। ये देश हॉलीडे के लिए काफी परफेक्ट लोकेशन हो सकता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के पक्षियों की प्रजातियाँ, गोरिल्लाज और चिंपैंजी देखने को मिल जाएंगे। युगांडा के लोगों के दिलों में प्रकृति के लिए उतना ही प्रेम है जितना इंसानों के लिए है। यहाँ पे अगर आप गलती से एक भी पेड़ काट देते हो तो उसकी जगह आपको 3 पेड़ लगाने होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में युगांडा एक पिछड़ा हुआ देश है, जहाँ की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है। यहाँ पर पढ़ने वाले 80% बच्चे 7वीं तक भी पास नहीं कर पाते हैं। युगांडा देश में रहने वाली लड़कियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों के लिए स्कूल जाना काफी कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा केवल लड़कों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें कि युगांडा के लोगों को साइकिल चलाना काफी पसंद है। यहाँ के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में उपयोग किया जाता है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी 14 वर्ष से कम उम्र की है, जो इसे दुनिया का सबसे जवान देशों में से एक बताता है। युगांडा दुनिया के सबसे बड़े शराब के सेवन करने वाले देशों में से एक है। गरीबी के बावजूद भी यहाँ के लोग काफी मात्रा में शराब पीते हैं। युगांडा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, और यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि में काम करता है। दोस्तों, ये 30 देश की कुछ रोचक और शानदार बातें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।